गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम। आज लेसन नंबर 2 हम लोग सीखेंगे शेप्स मोबाइल। यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह आपको दिखाए गए हैं, यू कैन सी ओवर हियर नियर पेज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ शेप्स मोबाइल। यहाँ पे आप लोगों को कुछ शेप्स बनाने को देंगे। देखिए इधर लिखा है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स इन बिग साइज ऑन द चार्ट पेपर, कलर द शेप्स एज यू लाइक, कट आउट द शेप्स, मेक अ टाइनी होल एट द टॉप ऑफ द ईच शेप, पास अ स्ट्रिंग थ्रू द होल, मेक अ नॉट एंड टाई द स्ट्रिंग टू द शेप। यानी आपको एक चार्ट पेपर लेना है और चार्ट पेपर पे आपको इस तरह के शेप्स बनाने, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, काइट, ओवल, एग, हार्ट, रेक्टेंगल, क्लाउड, स्टार, रेनबो और क्रिसेंट मून। इसके अलावा भी आप अलग अलग शेप बना सकते, या तो आप चार्ट पेपर लीजिए जो कलरफुल होता है वो इस्तेमाल कर सकते, या आप एक सादा पेपर लेके उसको कलर करके आप अलग अलग कलर के शेप्स बना सकते। तो इस तरह बनाना है कार्ड पेपर में कट करके, और यहाँ पे जो टिप में है एक एक छोटा सा होल बनाना है। सी यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो अ स्मॉल ओल ओल बनाना है उसमें, और उस ओल को क्या करना है, एक स्ट्रिंग से, एक धागे से बांधना है। पहले हमें दो लकड़ी लेनी है, लकड़ी को ओवरलैपिंग करके बांधना है, एक दूसरे को क्रॉस साइन के जैसा बांधना है। फिर वो लकड़ी को हम लोग एक दूसरे को जोड़ने के बाद इसको धागा बांध के उसमें लटकाएंगे। सी हियर इन दिस वे, ओके। इस तरह करके एक वॉल हैंगिंग की तरह एक बन जाएगा। एक्चुअली बीच पे सीलिंग में बांधा जाता है, आप लोग देखे होंगे सीलिंग में हैंगिंग होता है, इस तरह के ये हैंगिंग ऐसा बना के हम लोग शेप बना के लगा सकते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत दिखता है। यू कैन सी ये, इस तरह के एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं। देखिए, टेक टू स्टिक्स एंड टाई दम टुगेदर इन द शेप ऑफ एक्स, टाई द शेप्स ऑफ टू द आर्म्स टू द हेक्स विद द स्ट्रिंग, सम स्ट्रिंग्स शुड बी शॉर्ट, सम स्ट्रिंग्स सम लॉन्ग। मतलब आप जब धागा शेप्स को बांधते हैं तो कम ज़्यादा में बांधना है, कुछ धागा आपको छोटा रखना है, कुछ उससे बड़ा, कुछ और उससे बड़ा, इस तरह अलग अलग लंबाई के धागा आपको काट के उसमें होल में डाल के इस तरह बनाना है। अगर एक जैसे रहेंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे, तो कम ज़्यादा अगर हाइट होगा धागे का तो इट विल बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Tie a strong thread to the center of the hex. Hold your mobile up with the strong thread. तो ये इसको हमें इस तरह पकड़ना है, यहाँ पे बीच में दो डंडी को बांधना है और यहाँ पे एक धागा लगा के, स्ट्रिंग लगा के उसको लटकाना है। You can hang it anywhere you like. इस तरह के शेप्स बना के आप उसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह का आप एक्टिविटी कीजिए और घर में बना के लगा दीजिए। अब जब कोई मेहमान आएंगे तो बता दीजिए कि आपने उसे बनाया है, एंड इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सी हाउ वंडरफुल इट्स लुक्स। एक मोबाइल हैंगिंग होगा आपके घर में भी जो आपके हाथों से बनाया गया है, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि आपने अपने हाथों से इसको बनाया है, ओके। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। टेक कलरफुल शीट्स ऑफ ये कार्डबोर्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो स्टिफ रहते हैं, कार्ड पेपर बेंड हो जाता है। तो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके इसको पेस्ट कर सकते हैं कलर पेपर से, या उसको कलर कर दीजिए तो वो क्या थोड़ा सख्त रहेगा। तो कार्डबोर्ड माउंट बोर्ड होता है जो नॉर्मल यू कैन गेट इन द नॉवेल्टी शॉप, तो स्टिफ रहता है तो वो आराम से लटकेगा, थोड़ा वजन हो जाएगा, या यू कैन ट्राई विथ द कार्ड पेपर। कार्ड पेपर थोड़ा लाइट होता है तो इट कैन बेयर द वेट ऑल्सो। नाउ इट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली। यहाँ पे आपको अरेंज करना है वर्ड्स को अल्फाबेटिकली। अभी ए बी सी डी का सीरीज में जॉइन आपको ए टू जेड आप लोगों को सबको आता है, तो पहला अक्षर जो आता है उसके उस शब्द को पहले लिखना है। तो सी ए वर्ड पहले आता है, ओके। ए बी के बारे में तो कुछ दिया नहीं गया, सी से लिखा है तो सी सर्कल विल बी राइट इन फर्स्ट। डी का कोई वर्ड नहीं है, डी के बाद ई आता है तो ई हम लोग सी के बाद सर्कल के बाद हम लोग एग लिखेंगे।
एफ का कोई भी वर्ड नहीं है, जी का भी कोई वर्ड नहीं है, एच है, एच का हार्ट लिखेंगे। इस तरह हमें अरेंज करना है और सब वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है। तो दिस इज व्हाट इन योर लेसन्स। डू यू फाइंड दिस शेप्स इन द थिंग्स अराउंड यू? आप इस तरह के शेप्स देखते हैं क्या आसपास में? नेचुरली ओवल शेप आप देखते हैं, अंडा हो जो होता है हमारा ओवल शेप में होता है, मैंगो है, सर्कल, एवरीथिंग। दिस कलर शेप्स वी मोस्टली सी। विच इज़ योर फेवरेट शेप? आपका फेवरेट शेप क्या है और वो कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में दो लाइन लिखना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ड्रॉ द शेप्स इन योर वर्ड फाइल एंड राइट द नेम ऑफ ईच एबव। यानी तरह तरह के शेप्स आपको बनाने हैं और उसके नाम लिखने हैं। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी, दिस इज ऑल। तो आप लोग भी ये घर में ट्राई कीजिए इस एक्टिविटी को, और घर में बना के आपने अगर आप बनाते हो तो आप मुझे उसके फ़ोटो भी निकाल के इस ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।